ट्रांज़िशन ऑफ लैंग्वेज डिवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स मुझे आपसे इस मॉड्यूल में लैंग्वेज डिवेलपमेंट uh, में ट्रांज़िशन्स की जो इसकी फेजेज हैं उन पर बात करनी है सो अ ट्रांज़िशन इज़ अ लिंकिंग वर्ड इज़ अ वर्ड आर फ्रेज़ दट दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन पैराग्राफ आर अ सेक्शन फर टेक्स uh, uh, और स्पीच यानी ये जो ट्रांज़िशन है ये एक लिंकिंग है यानी एक लिंक है बिटवीन पैराग्राफ्स और वर्ड्स सेंटेंसेस और पैराग्राफ किसी स्पीच के उनके दरमियान एक लिंक है और uh, ये जो uh, जो ट्रांज़िशन फेजेस हैं जिसमें हम बात करेंगे ये तीन फेजेस हैं इसकी ट्रांज़िशन की ट्रांस trans, ट्रांज़िशन से मुराद एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना इट मींस लैंग्वेज डेवलपमेंट ये बात मेचोरटी की लैंग्वेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट में मेचोरटी की बात है और जो ट्रांज़िशन फेजेस होती हैं जो किड हैं या किड्स हैं या जो लैंग्वेज लर्नर्स हैं वो एक लैंग्वेज के एक मरले से गुजर के दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं यानी ये ये ट्रांजिशन फेजेस ये होती हैं कि उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट की मेचोरिटी किस हद हाँ तक होती है जब वैन फर्स्ट ईयर एंड्स ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन फेज है उनकी उसमें वैन फर्स्ट ईयर एंड्स एट इट प्रोसीड द स्कूल ईयर तो फिर अगले स्कूल ईयरस में बच्चों ने जाना होता है द इमरजेंस ऑफ वर्ड्स इन टू असेंशियल वेकेबलरी तो क्या मतलब ये उनकी ग्रेजुअली उनकी वैकेबलरी में इजाफ़ा होता है और वर्ड्स नए नए मर्ज होते हैं वो उनको पोनीम्स को फ़ोनेटिक्स को उनको जोड़ के उसमें जो हमारे कॉन्सनेंट्स हैं जो वॉवल्स हैं उनको उनकी डिफरेंट प्लेसेस पर जोड़ के कभी उनको स्टार्ट में कभी एंड पे या कभी मिडल में ठीक है इस तरह यूज़ करके जैसे एट पैट या कुछ इस तरह की और अगर हम देखें बहुत सी एग्जांपल्स की बन सकती हैं या दी जा सकती हैं कि जिसमें जो इस मतलब मरहले पे वो वर्ड्स जो यू समझे कि वो उनके वर्ड्स डेवलप होते हैं और उनकी वैकेबलरी में इजाफा होता है इस फेस पर सेकंड ट्रांजिशन हैपन्स व्हेन चिल्ड्रन चेंज फ्रॉम सेइंग वर्ड एट वंस जब वो वर्ड्स कहने से मतलब उसमें जो सिंगल वर्ड कहने से वो चेंज करते हैं अब वो फ्रेजेस की शक्ल पे फ्रेजेस की फेज पे आ जाते हैं यानी बड़े वर्ड्स बोलते हैं या दो दो वर्ड्स बोल के और वर्ड्स को जॉइन करते हैं ठीक है इन टू एक्सप्रेशन एंड बेसिक सेंटेंसेस अबाउट द द एंड ऑफ स्कूल ईयर जब यानी जूँ जो वो मतलब अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनको मतलब लैंग्वेज उनकी डेवलप होती है तो इस इस सेकंड ट्रांजिशन फेज पर वो क्या करते हैं कि सिंगल वर्ड से मूव करके आगे मोर वर्ड्स पर आ जाते हैं फ्रेजेस पर आ जाते हैं फिर उन फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं और वन सेंटेंसेस ऑफ टू वर्ड सेंटेंसेस ऑफ थ्री वर्ड एंड देन मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब ये थर्ड फेज में होगा लेकिन सेकंड फेज पे वो जो सेंटेंसेज उनके होंगे वो स्मॉल सेंटेंसेस टू वर्ड्स के या थ्री वर्ड्स के इनको वो जॉइन करके वो इस तरह वो बोलते हैं तो ये सेकंड फेज़ ऑफ़ सेकंड ट्रांजिशन फ़ेज़ ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है तो इस मरले पर भी उनको तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये फेजेस जो हैं ये लैंग्वेज में मेचोरटी के जो माइल हैं एक्चुअली क्या है ये लेवल्स हैं जो वो जो बच्चा लैंग्वेज डिवेल एक्वायर कर रहा है लैंग्वेज उसमें एक्वायरिंग हो रही है तो वो उसकी फेजेस हैं वो जैसे आप देखें अगर फिज़िकल ग्रोथ की हम थोड़ी सी बात कर दें एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है फिर वो खड़ा होना शुरू होता है फिर वो चलना शुरू करता है इसी तरह जब वर्ड्स को आप देखें बच्चों के कि वो शुरू में तो क्या है कि साउंड्स हैं और फिर उसके बाद वन वर्ड इस्तेमाल करते हैं फिर वन वर्ड्स को आगे बढ़ के फ्रेजेस वो दो, -दो वर्ड्स को जॉइन करके फिर बोलते हैं और थर्ड जो तो ट्रांजिशन फेज़ है वो वो क्या कहते हैं हैंपन्स व्हेन किड्स मूव आफ्टर यूटिलाइजिंग सिंपल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस यानी वो सिंपल सेंटेंसेस जो है वो बोल लेते हैं वो एक्सप्रेस कर लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस में तो जो इस उनका ये थर्ड लेवल जो है उनका वो एक्सप्रेसिव है और उसमें वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज करना बोलना शुरू कर लेते हैं वन थाट टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कम्युनिकेटिंग यानी वो अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को uh, केट करना शुरू कर लेते हैं थर्ड जो ट्रांज़िशन है इसमें और डिफरेंट थाट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम तो यानी ये, ये क्या है कि जो ट्रांज़िशन है हमारी फेजेस उसमें क्या है ये लिंक करती है किस को वर्ड्स को, को और फ्रेजेस को आ, किन के साथ पैराग्राफ्स के साथ किसी स्पीच का किसी कंटेंट का उनके आपस में उनको लिंक करके तो ये मेचोरटी बताती है यानी लैंग्वेज जो चाइल्ड होता है लैंग्वेज लर्नर होता है उसके जो 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 उसकी माइल में चेंजेज आती हैं उसके बारे में ये ट्रांजिशन ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्रेस uh, किया जाता है या वो करते हैं